कुछ समय पहले मुजफ्फरपुर इलाके के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को नमक रोटी देने का मामला सामने आया था और इस रिपोर्ट को बनाने वाले पत्रकार पवन पवार पर मुकदमा भी चला था। लेकिन जब इस बात को लेकर सवाल उठने लगे कि पत्रकार पर मुकदमा कैसा, तब डीएम अनुराग पांडे ने कहा था कि प्रिंट मीडिया का खबर छापने का तरीका अलग होता है। अगर उन्हें न्यूज़ बनानी थी तो वह फोटो खींचते और जो बातें या चीज़ें गंभीर लगती उन्हें छापते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए उन पर मुकदमा चलाया गया। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि बच्चों को स्कूल में नमक रोटी सिर्फ उसी दिन दी गई थी और यह भी किसी साजिश के तहत हुआ था। लेकिन वहीं स्कूल में खाना बनाने वाली महिला का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है जो बच्चों को इस तरह का खाना दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसमें पत्रकार की कोई गलती नहीं है, जब सामान नहीं मिलेगा तो खाना कहाँ से बनाएगी, और उन्हें कोई सामान नहीं मिलता था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।